नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बल्क ड्रग या एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बेसिकली रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जेनरिक ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। सो हमारी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड दैट इज़ कंसिडर टू बी अ सनराइज इंडस्ट्री। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है और अपनी कंट्री को ग्लोबल जेनेरिक्स में वर्ल्ड लीडर बनाने की इसमें क्षमता है। तो अभी जो हमारी इंडस्ट्री है उसका सप्लाई नियरली 20% है ग्लोबल जेनेरिक मेडिसिन का ओवरऑल वर्ल्ड में, और हमारी जो कंट्री है वो सबसे लार्जेस्ट सप्लायर है पूरी वर्ल्ड में। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो हमारा जो बल्क ड्रग्स या एपीआई जो होता है वो बल्क ड्रग्स या एपीआई जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वो हम ज़्यादातर अमाउंट जो है वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री एक तरह से डिपेंडेंट है चाइना के रॉ मटेरियल इम्पोर्ट पे, और इंडिया को चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हमें सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने के लिए बल्क ड्रग्स में हमें चाइना पर डिपेंडेंस कम करनी होगी। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने वीएम कटोच के अंदर में एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है कटोच कमेटी, और उन्होंने अपनी सबमिट की रिपोर्ट 2015 में। हम उसी की मेजर रिकमेंडेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे, ठीक है। तो उस कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन क्या थी? सबसे बड़ी मेजर रिकमेंडेशन कटोच कमेटी थी कि ये थी कि मेगा पार्क्स बनाए जाएं एपीआई के लिए, और बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में सरकार इंडस्ट्रीज़ को और प्राइवेट प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करे। और एक एपीआई या बल्क इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की और बिजली की, सही सुविधाओं की, और ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं एफ्लुएंट, अच्छे से ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हों, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, कोडेक्स हो, R&D हो, ये सब चीज़ें सरकार को कम कीमतों पे दरों पे मुहैया करानी चाहिए। और सरकार को ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, और टैक्स और इनकम टैक्स या फिर ऐसे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो सरकार दे सकती है उसको पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो कम कीमतों पर ये चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट प्लेयर्स को अवेलेबल हो। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि हम इंश्योर करते हैं कि ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे बिजली, पानी, ज़मीन और टेस्टिंग फैसिलिटीज़, कोडेक्स और ये सब चीज़ें हम रीज़नेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड करेंगे। और बल्क ड्रग इंडस्ट्री जो है, हमारी जो बल्क ड्रग इंडस्ट्रीज़ होती हैं या एपीआई इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होती है नेचर में, तो उस पॉल्यूशन को चेक करने के लिए भी हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इंडिया को चाहिए कि वो ऐसी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदे और हमारे इंडिया में इंस्टॉल करे, जैसे कि क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस या क्लीन टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस, ये सब सोल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। और इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कंट्री को ऐसी टेक्नोलॉजी का खरीदना बहुत ज़्यादा लाजमी है और ख़रीदना ही पड़ेगा। इसलिए ये भी नेसेसरी है कि प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन हो पॉल्यूशन को चेक करने के लिए, पॉल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन एक अलग ही मुद्दा है, ख़तरनाक मुद्दा है। और इनोवेटिव आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, और साइंटिस्ट को अवार्ड देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, और पेटेंट की जो सुविधाएँ होती हैं, पेटेंट का जो पूरा इनोवेशन प्रोटेक्ट करने के लिए जो रॉयल्टी दी जाती है उसको भी सरकार को प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए ऐसा भी प्रोविजन है कि ईजी सॉफ्ट लोन्स दिए जाने चाहिए, और जो इंटरेस्ट सबवेंशन रेशियो वो कम से कम 7.5% हो, क्योंकि अभी वो 20% तक है। और चाइना में जो लोन्स मिलते हैं सॉफ्ट लोन्स, वो 5% दर की रेट में मिलते हैं, तो इसीलिए चाइना एपीआई को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता है और हमें चाइना पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर द रॉ मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इनकम टैक्स रिबेट्स जो हैं वो बढ़ा देने चाहिए कम से कम 400% तक, जो कि अभी प्रेजेंटली 200% तक है। इनकम टैक्स बेनिफिट जो हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को शुरुआत के 10 सालों में, जो अभी नई स्टार्टअप कंपनी शुरू होती है उनको 10 सालों तक इनकम टैक्स बेनिफिट दिए जाने चाहिए। और एडवांस टेस्टिंग लैब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना चाहिए, इंडियन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उनकी बच सके, इसीलिए उनको भी हमें बढ़ाना चाहिए। और अभी जो ये वाटरवेज चल रहे हैं, इनको ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने हमने लॉन्च किए हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होने चाहिए। टैक्स फ्री स्टेटस देना चाहिए क्लस्टर डेवलपर्स को, जो क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे एक साथ कई सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं, तो उनको कम से कम 15 सालों तक टैक्स फ्री स्टेटस दे देना चाहिए, ताकि हमारी एपीआई जो है वो जल्द से जल्द ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। और ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ग्रीन फील्ड में भी उतना ही एंट्री मिल सके जितनी कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में मिलती है। अभी क्या है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में 74% FDI है ऑटोमेटिक रूट के तहत, और उससे ज़्यादा अगर FDI करना होता है तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के थ्रू या अप्रूवल के थ्रू आना पड़ता है। लेकिन ग्रीन फील्ड में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट के, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या FDI होता है वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में होता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में भी 100% FDI करते। और इंसेंटिव दिए जाने चाहिए मैन्युफैक्चरर को लार्ज प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके और हमारा जो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट हो एज अ प्रोडक्ट वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट रन कर सके। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को पूरे डेडिकेटेड इक्विटी फंड्स के फॉर्म में
क्लस्टर्स के डेवलपमेंट मुहैया करानी चाहिए और सिंगल विंडो क्लियरेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, कॉमन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, दूसरे सपोर्ट्स दिए जाने चाहिए और जो हमारी जो दूसरी यूनिट्स है पूरे डिपार्टमेंट्स को मिलकर के इस पर काम करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और साइट में मदद करनी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन गवर्नमेंट दे सकता है वो देना चाहिए, क्योंकि हमें चाइना हमारे एडवर्स कंट्री, अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाइना कभी भी अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल करके हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी हमें रिवाइव करना चाहिए और ऐसी ये जो कटोच कमेटी, इन्होंने कहा कि 6 कम से कम लार्ज API इंटरमीडिएट क्लस्टर्स बनाने चाहिए 5-6 स्टेट्स में, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अभी तक केवल 2 ही फुली फाइनेंस क्लस्टर हैं, एक जो है वो फर्मेंटेशन पे बेस्ड है और दूसरा API पे बेस्ड है, लेकिन कम से कम मिनिमम 5-6 क्लस्टर्स होने चाहिए API में। दूसरे क्लस्टर्स भी बनाए जाने चाहिए रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, और जैसे कि इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सबको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सुटेबल माना जाता है, इनको आगे आना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कॉर्पोरेट करना चाहिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म के तहत और इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टेट्स भी जितना लीवे दे सकते हैं, जितना इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं API सेक्टर में, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स भी बनाने चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कटोच कमेटी ने ये रिकमेंड किया है, जो भी वो कमेंडेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे एक कंट्री जो है ड्रग इंडस्ट्री में अग्रणी है, लेकिन बल्क ड्रग इंडस्ट्री में हमें इसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसीलिए कटोच कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया कि 200 करोड़ दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर, ताकि ये डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ या बल्क ड्रग पार्क API पार्क क्रिएट किया जा सके। गवर्नमेंट ने यह भी प्लान किया है कि कटोच कमेटी की जो सारी रिकमेंडेशन है उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है और लाइक बहुत ही लूज सा सिस्टम है और कोई पर्टिकुलर लॉज या रूल्स नहीं है इसके तहत, तो वो भी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इंडस्ट्री को बल्क ड्रग जो एज अ बल्क ड्रग क्वालिफाई करे उस पर जो प्राइस रेगुलेशन होता है वो गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए और मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मार्केट फोर्सेज विल डिटरमाइन द प्राइस बाय इटसेल्फ और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वेस्ट करने में ये चीज़ें केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को ही नहीं रोकती हैं, ये जो प्राइस रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें FDI को भी रोकती हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 74% FDI जो है वो ब्राउन फील्ड फार्मा सेक्टर में अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, लेकिन उससे ऊपर अगर FDI होता है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल या परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो भी 100% कर देनी चाहिए ब्राउन फील्ड सेक्टर में। ग्रीन फील्ड में तो 100% FDI है और वो काबिल तारीफ है, और अभी यही सब ज़रूरतें हैं जिनको अगर पूरा किया जाए तो हम API में बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगी चाइना के इंपोर्ट फैसिलिटी से। तो ये बहुत ज़रूरी है और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। टिल देन थैंक यू।